नमस्कार, मैं हूं संजय बरोदिया और आप देख रहे हैं दोनरा एक्सप्रेस न्यूज। यदि आप अविवाहित या तलाकशुदा पुरुष हैं और आप शादी करना चाहते हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा पुरुष है जिसकी शादी के लिए आप परेशान हैं, ऐसी स्थिति में जब कोई लड़की नहीं मिलती तो आप किसी भी दलाल के चक्कर में पड़कर रुपये देकर किसी अनजान लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके खतरनाक परिणाम आपको भुगतना पड़ते हैं। कुछ इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले के कोरझामर थाना अंतर्गत ग्राम चोपड़ा में घटी। ये है लीलाधर अहरवार, जो रायसेन जिले के टेकापार कला के निवासी हैं, जिनकी पत्नी का कुछ समय पूर्व निधन हो गया था। वह अकेला विधवा था, किसी योग्य पत्नी की तलाश कर रहा था। लॉकडाउन के चलते इनके परिवार के रिश्तेदारों की परिचित चोपड़ा निवासी एक दलाल से मुलाकात हो गई। दलाल ने रुपए लेकर एक लड़की से रिश्ते कराने की बात कही। मजबूर परिवार के लोगों ने सौदा तय कर लिया। सौदा तय होने के बाद एक लड़की का रास्ता सुझाया। यह लड़की गौरझामर थाने के ग्राम चोपड़ा गांव की रहने वाली थी, जिसको देखकर इन्होंने रिश्ता तय कर लिया। इस रिश्ते को तय करने वाले व्यक्ति ने लीलाधर के परिवार से 40,000 रुपये लिए और एक लड़की जिसका रिश्ता इसके लीलाधर के साथ तय कर दिया। और केसली पर स्थित वन देवी मंदिर से दोनों का विवाह विगत माह में संपन्न हो गया। विवाह पश्चात लड़की लीलाधर के संग उसके घर चली गई और कुछ समय रहने के पश्चात गत रक्षाबंधन को अपनी मौसी के साथ अपने मायके आ गई। रक्षाबंधन के बाद जब लीलाधर व उसके परिवार के लोग लड़की को लेने चोपड़ा आए तो लड़की और उस दलाल का रिश्ता, जिसने रिश्ता करवाया था, कोई अता पता नहीं चला। लीलाधर एवं उसके परिवार के लोग ग्राम चोपड़ा में उसे ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी लड़की का कोई पता नहीं चल सका। लड़की जब मायके आई थी तो अपने साथ में करीब 1,00,000 रुपये का जेवर लेकर आई थी। अब जब लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा है तो लीलाधर के परिवार ने उसकी मौसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़की कहीं चली गई। अपुष्ट सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लड़की उसी दलाल के साथ जेवर लेकर भाग गई है, जिसने उसकी शादी लीलाधर से कराई थी। इस बात को लेकर जब लीलाधर थाना गौरझामर गया तो पुलिस ने भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं की, केवल उसकी कहानी सुनकर उसे वहां से भगा दिया। बाद में पता चला कि उसकी जिस लड़की के साथ शादी हो की गई थी, उसने इस तरह के और भी कई लोगों को ठगा है और कई लोगों के साथ इस तरह शादी करने के पश्चात उसके साथ धोखाधड़ी की। जब लीलाधर यह फरियाद लेकर थाना गौरझामर गया और बताया कि उसने शादी करने वाली लड़की को उसका जेवर लेकर फरार हो गई है, तो थाना गौरझामर में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। तब लीलाधर व उसके परिवार के लोग अनुविभागीय अधिकारी देवरी के समक्ष पहुंचे, किंतु इस समय भी कोई अनुविभागीय अधिकारी मौजूद नहीं थे। ज्ञातव्य हो कि अनुविभागीय अधिकारी देवरी का विगत दिनों ट्रांसफर हो चुका है और नए अनुविभागीय अधिकारी आना बाकी है, जो वहां पर नहीं मिले। तो उसने अपनी फरियाद आवेदन के रूप में अनुविभागीय कार्यालय में जमा कर दी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं दलाल का कोई अता पता नहीं चल सका है। लड़की और शादी कराने वाला दलाल अभी फरार। इस तरह की शादी अगर आप करना चाह रहे हैं तो सावधान रहें एवं रिश्ते सोच समझ कर करें। क्या नाम है आपका? लीलाधर। कहाँ के रहने वाले हो? बेगमगंज। आपके साथ में क्या हो गया, कहाँ आपकी शादी हुई थी? हमारे साथ ये हुआ है कि एक दलाल ने हमारे लिए फंसा दिया। हाँ, कैसा? उसने 40,000 रुपया लिए थे। किस बात के लिए थे?
शादी के, शादी कराने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर उसने शादी करा दी। अच्छा, शादी करा के और वो लेने के लिए उसके बाप गया। हाँ, और बाप ले आया और उसकी मौसी हाँ लेके आए। हाँ, और इधर से उसने परमानंद के साथ कैद कर। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है लड़की? चोपड़ा। चोपड़ा कहाँ है जी? गौरझामर। गौरझामर के पास चोपड़ा है। तो आप लेने आए तो आपको नहीं मिली वो लड़की? नहीं मिली। क्या बोल रहा है उसके परिवार के लोग? उनके परिवार के लोग बोल रहे कि बस भाग गए, भाग गए। तो इस संबंध में आपने थाने में शिकायत की थी किसी? की थी, लेकिन ली नहीं। कौन से थाने में की थी? गौरझामर थाने। तो गौरझामर थाने वालों ने शिकायत नहीं ली? नहीं। अब कहाँ आए हो आप? देवरी। देवरी में कहाँ? एसटीओपी साहब आपके पास। आपकी शादी कैसे हुई थी? कितने पैसे लगे थे आप? 40,000। किसने लिए थे? परमानंद। अच्छा, तो परमानंद भी नहीं मिला? परमानंद भी साथ में चला गया। साथ में चला गया।